मुझे फ्रॉग का सूप पीना चाहिए मेरा सर्जरी से जल्दी रिकवर होने के लिए। पूरा चमड़ी छील दिया है दीदी ने, देखो। अभी देखिए दोस्तों, मैं डिनर करूंगा। ये लोग तो कर चुके हैं सभी लोग। फ्रॉग लेग पीस गाइस, फ्रॉग लेग पीस। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी सो के होते हैं और रात भर इतनी बारिश हुई और कल इतनी भाई थंडर स्टॉर्म पूरा धराम धूम भाई इतनी जोर जोर से आवाज की थी, क्या ही बताएं। और आज हमारे घर पे मानवी भी सोई थी बिल्कुल मम्मी के साथ। हाँ, कैसा लगा यहाँ पे सो के? अच्छा लगा? हाँ, अरे अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा। अच्छा, और यहाँ पे जेरी सुबह सुबह पूरा ये बनाने में लग गई है रोटी ब्रेकफास्ट के लिए। और मंजिता फ्राई कर रही है, अच्छे से फ्राई करो। कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टोमेटो याद है ना? हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे दीदी खाना वाना बना रही है ब्रेकफास्ट के लिए। रोटी खाएंगे और कल का मछली भी है ना, उसी के साथ करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, पूरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। और कल मछली जो है पट्टे में पकाए हैं मम्मी ने, देख सकते हैं। वाह, क्या ही टेस्टी टेस्टी होगा। देखिए पट्टे में पकाया हुआ मछली और रोटी के साथ मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगा। और यहाँ पे देखो बच्चे लोग पूरा परेशान कर रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं। देखो क्या क्या। नो, चुपचाप खाओ डिसिप्लिन के साथ। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से खाया मैंने। रोटी, 5 रोटी खाया मैंने ब्रेकफास्ट में, भाई पूरा पेट फूल हो गया। एंड अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट में, क्योंकि हम लोग का जो सिलेंडर है उसका रेगुलेटर हो चुका है खराब। तो अभी मैं रेगुलेटर लाऊंगा और भी कुछ सामान वगैरह लेके आऊंगा। और कल जो है भाभी लोग जो तायसन तक्सो के उधर से आए थे ना, तायसन के मम्मी, वो लोग ईटानगर जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब हम लोग कुछ ट्रेडिशनल स्वीट बना के भेजेंगे, उसके लिए भी कुछ शॉपिंग करूंगा मैं। और अभी फिलहाल जाता हूँ, रेनकोट ले लिया है क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में बारिश ही बारिश, और मैं दूसरे स्टेट में देख रहा हूँ भाई साहब, पूरा गर्मी के कारण लोग मतलब मरने वाले हो गए, इतना गर्मी। लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में ठंड भाई, ये देखो स्वेटर लगाया हुआ हूँ मैं, पूरा ठंडा ही ठंडा है इधर में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ फ्राइडे बाजार में। यहाँ से मैंने एक हैंडल ले लिया दरवाजा पे लगाने के लिए, जो बाथरूम पे लगेगा वो वाला, तो इसके मुझे पे करना पड़ा 50। और मेरे हाथ में कैश बिल्कुल नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया भैया को। तो अभी जाता हूँ, और भी मुझे जो सिलेंडर का जो वो है ना रेगुलेटर है वो मुझे लाना पड़ेगा। और यहाँ पे जीजा के दुकान से मैं लेके जाऊंगा जिगरी यानी कि गुड़ और नारियल लेके जाऊंगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्वीट होगा ना उससे बनाने के लिए। अभी आया हूँ दोस्तों मैं लेने के लिए रेगुलेटर, तो यहाँ पे ले लिया है रेगुलेटर एंड एक पाइप। वाह, काफी महंगे हैं। अब सारा सामान ले लिया है दोस्तों यहाँ पे, तो डिक्की में डालूंगा जो जो भी सामान है। आम लिया मैंने 1 किलो, 200 रुपीज पर किलो है। यहाँ पे आम देखिए उतना अच्छा नहीं होंगे, मीठे नहीं होंगे, बट खाने का मन कर रहा है इसलिए लेके जा रहा हूँ। और ये स्वीट बनाने के लिए जैगरी और नारियल। अभी मैं घर पहुंच गया दोस्तों, और आते ही बुज्जे को तो पूरा एक्साइटेड ना बुज्जे। अभी सामान वगैरह निकालूंगा, उसके बाद काम शुरू। और आने के साथ साथ यहाँ पे जेरी को देखो नारियल छील रही है, क्योंकि ईटानगर में भेजना है पूरा। ये लोग बनाएंगे आज तायसन की मम्मी और पापी लोगों के लिए। अच्छा, बिस्कुट बना के भेज देंगे। तो अभी हम वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं अभी वेट। और उसके बाद हमें भी खाना है ट्रेडिशनल स्वीट, खाने का मन कर रहा है। बीजू जब से खत्म हुआ है खाने नहीं मिला है, बीजू तक तो पूरा अवेलेबल खाए थे हम लोग। अब मम्मी को देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट बनाने में लग गई है। जेरी ने पूरा नारियल काट कूद के रेडी कर दिया है, तो सबसे पहले बीजू भी खत्म हो गया है, तो फिर से हम लोग बीजू गुलो खाएंगे। आज सांडी भी कहते हैं हम लोग इसे अपने लैंग्वेज में। और मम्मी यहाँ पे बना रही है, शेप में ला रही है देखिए। और ये वाला जो है पट्टे में बना के हम लोग भेजेंगे इसे ईटानगर। अभी दोस्तों यहाँ पे मम्मी और दीदी बना रहे हैं ट्रेडिशनल स्वीट। और आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, अभी ये चीज दिखा के कुछ लोग ऑफेन भी हो सकते हैं, बट क्या करें, हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है ये ज्यादातर लोग खाते हैं। टाइटल और थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉग के बारे में। ये जो फ्रॉग है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतलब बहुत खाया जाता है। स्पेशली नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही इसका सेवन करते हैं लोग। ये देखिए दोस्तों, ये रहा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता रहे थे जब से मेरा सर्जरी हुआ है तब से, कि मुझे फ्रॉग का सूप पीना चाहिए मेरा सर्जरी से जल्दी रिकवर होने के लिए। तो यहाँ पे जो है भैया ने खरीद के लाया है आज, 1 किलो है ना 2 किलो पता नहीं, मेरे हिसाब से 1 किलो होंगे। तो ये
जो है आज मैं पका के खाऊंगा। तो आज हम लोग अलग अलग रेसिपी पकाएंगे, मेरे लिए अलग, मम्मी लोग के लिए अलग, मैं सूप बना के खाऊंगा। तो देखते हैं, अभी इनकी साफ सफाई करेंगे। और आप लोग को बता दूं, आप लोग जो है क्या सोचते हो पता नहीं, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो खाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग खाते हैं तो हम लोग चाइना से, ये मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग तो खाते नहीं ये सब चीज़ें, उन्हें देख के भी अजीब सा लगता है। तो वो लोग का कमेंट वगैरह करते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले चाइना से है क्या, बट ड्यू टू रीजनल होते हैं ना, जैसे कि हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है थोड़ा सा इधर, हम लोग थोड़ा सा जंगल से, हम लोग नेचुरल चीज़ें खाते हैं और मतलब नेचर से के साथ जुड़े हुए रहते हैं हम लोग, पूर्वजों से, हमारे जो पूर्वज थे वो भी खाते थे, तो हम भी आज खा रहे हैं। कुछ लोग तो शर्म के मारे नहीं दिखाते हैं, बट हम दिखाते हैं जो है वही दिखाते हैं, हम जो अपने जीवन में करते हैं, जो लाइफ में कर रहे हैं हम वो दिखाते जाते हैं। तो आज हम लोग फ्रॉग भी खा रहे हैं। तो मैं भी पहले बहुत शर्माता था दिखाने के लिए, लेकिन आज पहली बार दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रॉग दोस्तों, जेरी को ब्लॉगिंग करते हुए देखो, ब्लॉगिंग कर रही है, रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से बना रही है, इसका जो सेप है, पहले मम्मी ने ऐसा है, हम लोग मतलब एक ही घर पे दो दो ब्लॉगर है ना, तो ये इधर पे बनाती है, मैं इधर पे। मंजिता ये क्या देख लिया, ये क्या है बोलो, क्या है ये फ्रॉग, खाते हो कि नहीं? खाती हो? देखो मंजिता भी खाती है फ्रॉग, कैसा लगता है, टेस्टी? आज खाओगे, कौन सा वाला खाओगे, कौन सा बड़ा वाला, ये वाला? वाह, ये मंजिता के लिए स्पेशल। अभी दीदी को देखो, अभी जो हमारे फ्रॉग है भैया ने खरीद के दिए थे, उनकी साफ सफाई करेगी। ये देखो चमड़ी छील के सिर्फ अंदर का खाते हैं, चमड़ी को नहीं खाते हैं। वाह, अब यहाँ पे काफी सारे लोग को देख के भाई घिन लग रहा होगा मुझे पक्का मालूम है, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट वाले जो नागालैंड से देख रहे हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले देख रहे हैं, उनके मुंह में तो पानी आ रहा होगा पक्का, मुझे तो अभी से पानी आ रहा है, खाने मन हो रहा है। तो यहाँ पे जो अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में बहुत फ्रॉग निकलते हैं, और किलो का 200 रुपीज है यहाँ पे। तो इसे नागालैंड पे पता नहीं कितना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैं दीमापुर मार्केट के वीडियोस देखता हूँ, वहाँ पे काफी फ्रॉग बेचे जाते हैं, तो वहाँ पे कितना है किलो, हमारे गाँव में तो 200 पर किलो है। और इस फ्रॉग का नाम पता नहीं क्या है, हम अपने लैंग्वेज में इसे बुआबेंग कहते हैं। ये जो है एक ही वैरायटी के है, कलर अलग अलग है, ये मेल वाले है, ये फीमेल वाले, फीमेल वाले थोड़े से ब्लैक या ग्रे कलर में होते हैं, और जो मेल वाले हैं ये थोड़े से ग्रीनिश कलर में होते हैं। और बुज्जे बुज्जे खाओगे फ्रॉग, खाते हो बुज्जे तुम? हाँ खाता है बोला है, खाता है खाता है। मंजिता भी वेट कर रही है देखो खाने के लिए, ये उसका हिस्से का। हाँ यहाँ पे जेरी ने पापड़ बनाई है, मैं तो उतना खा नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, और मुझे लंबा वाला मिला, ये लो। वाह, कब से वेट कर रही है ये खाने के लिए। और ये लो बेटा खा ले, तू भी जी ले जिंदगी। और ये ले तमी, तू एक ले ले, जी ले जिंदगी। हाँ पूरा चमड़ी छील दिया है दीदी ने, देखो। अभी पूरा इसे काट कूट के रखेंगे, उसके बाद भैया और हम दोनों जो है डिवाइड करेंगे। एक्चुअली भैया ने खरीद के दिया है 1 किलो, तो भैया लोग को भी देना बनता है कि नहीं? हाँ जरूर। तुम खाते हो कि नहीं फ्रॉग? खाता है तो। नॉर्थ ईस्ट वाले है ना, मिजोरम में पूरा खाते है ना, मिजोरम में भी तो पूरा सफा करके बेचते है, आइजोल में ना, आइजोल में पूरा बेचते हैं। एक्चुअली ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर लोग खाते ही है पूरा, मतलब। अभी इससे अच्छे से धो रही है दीदी, देखो पूरा अंडे है ना अंदर में, पूरा फुल फुल अंडे है इसमें, अंडे भी खाए जाते हैं, अंडे भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखो मंजिता कटोरा लेके बैठी हुई है अंडों के लिए। अभी यहाँ पे देखो दीदी पूरा काट रही है, और इतना फ्रेश फ्रेश मीट देखिए, पूरा चिकन की तरह लग रहा है ना, आप लोग को देख के मतलब ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये फ्रॉग का मीट है, आपको चिकन जैसा लग रहा होगा। देखिए इतना प्रोटीन में रिच होता है ना, क्या ही बताएं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हम लोग का हिस्सा घर पे हम लोग खाने के लिए, और दीदी गई है भैया लोग को देने के लिए आधा हिस्सा। वाह पूरा मतलब चिकन की तरह है, देखिए बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं है, देखिए पूरा प्योर चिकन। आपको मतलब फर्स्ट टाइम अगर दिखाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये फ्रॉग का मीट है, बट चिकन जैसा ही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है अंडे और लीवर, तो ये भी जो है एकदम तेल में फ्राई करके खाएंगे। अब यहाँ पे दीदी सबसे पहले
फ्रॉग के अंडों को जो है फ्राई करेगी यहाँ पे। देखिए यहाँ देखिए, बस सिंपल सा फ्राई। इसे जो है हम लोग बाद में पकाएंगे डिनर करने का टाइम में, अभी काफी टाइम है, अभी हमें थोड़ा बहुत बाहर भी जाना है घूमने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, उसके बाद ही इसको पकाएंगे। यहाँ पे हल्दी वगैरह दे दिया है दीदी ने अंडे फ्राई में। वाह वाह, अभी जाएंगे फ्रॉग के अंडे एंड लीवर। ओ भाई साहब मजा एकदम, ये एकदम ट्रेडिशनल वाला रेसिपी। मंजिता को देखो कैसे देख रही है रेसिपी। ये भी बाद में बना के खिलाई बोलते हैं हम लोग को। अभी जो है शाम होने को चला है और भैया पहुंच चुके हैं कल जो अपना टॉयलेट बाथरूम का जो अधूरा काम रह गया था उसे पूरा करने के लिए, तो उसमें जो है प्लास्टर मारना पड़ेगा ऊपर में जो मोड़ लगा है उसके साइड में, तो इसलिए भैया आ पहुंचे हैं यहाँ पे सीमेंट लेके। थोड़ा सा बाकी है ना, वो भी हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, पूरा सीमेंट अभी मिक्स कर रहे हैं भैया पानी के साथ, उसके बाद प्लास्टर लगा देंगे इसमें। एकदम बढ़िया, अभी ये दोनों जाएंगे दुकान पे कल जो सामान भेजेंगे हम लोग ईटानगर में वो लेने के लिए। एक्चुअली मैं भी जाने वाला था लेकिन ये दोनों जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा जाके। लड़की के साथ लड़का अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? हाँ? अरे तू मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त है तो सिर्फ दीदी। मेरे को पूरा ब्रेकअप दे दिया, वाह क्या बात है। ठीक है, अच्छे से जाना और अच्छा अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस देखना भाभी जी और दीदी के लिए। ओके जरूर। मंजिता यहाँ पे क्या कर रही है, क्या खेल रही है, क्या चटनी बना रही हो क्या? अभी बिल्कुल शाम होने को चला है दोस्तों और भैया भी पहुंच चुके हैं। ये देखिए भैया, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जमा होती है ये देखिए, तो उसको मिला रहे हैं अभी, लेवल कर रहे हैं। और भैया जो है दूसरा वाला भैया वो अंदर में प्लास्टर कर रहे हैं। अभी जो है भैया लोग का काम थोड़ा बहुत हो चुका है कम्प्लीट, तो रेस्ट करने के लिए आए हैं अभी। और ट्रेडिशनल स्वीट जो है हम लोग का बिजू गुलो भी पक्के हो गया तैयार, तो खा रहे हैं। हाँ बिजू गुलो, बिजू गुलो, बिजू खत्म हो गया फिर भी बिजू गुलो है, खाइए खाइए। हाँ बिजू गुलो खाइए, पूरा गर्मा गर्म है एकदम। तो हम भी खाते हैं दोस्तों, ये देखिए बिजू गुलो, बिजू का टेस्टी टेस्टी बिजू गुलो। मंजिता आ जाओ, बिजू गुलो खाना है कि नहीं? बिजू गुलो आओ आओ, दलाई करो जल्दी आओ खाओ। अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है और दीदी और जेरी वापस आ गए हैं दुकान से। वाह ट्रेडिशनल ड्रेस तो मिला नहीं बोला इन लोगों ने कॉल करके, लेकिन ड्रेस वगैरह मिला है यही काफी है। क्या करे, मिला तो नहीं मिला। बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों और डिनर की तैयारी हो रही है और यहाँ पे करेले के साथ पक रहा है फ्रॉग की सब्जी, बिल्कुल चिकन की तरह है ना। ये आप लोग का वाला ना? हाँ हाँ, मेरा वाला तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा उसमें मतलब मसाले वसाले नहीं डालूंगा, चिल्ली भी नहीं डालूंगा, मैं विदाउट मसाले खाऊंगा। और यहाँ पे ये मेरा होटली है, मेरा होटली मिर्च कूट रही है, होटली इसका नाम होटली। ये देखो होटली को, वाह पूरा स्पाइसी स्पाइसी हो गया पक्के। और थोड़ा सा अच्छा, अभी मेरा वाला भी पकाएगी मम्मी, यहाँ पे तेल वगैरह दे दिया है, ज्यादा तेल नहीं थोड़ा सा, आज से मेरा तेल खाना शुरू थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और यहाँ पे रेडी है सब कुछ, वाह करेले के साथ और पूरा बिल्कुल चिकन की तरह है, देखिए फ्रॉग का जो मीट होता है। वाह क्या स्पेशल बन रहा है आज, मैंगो चटनी। वाओ मैंगो चटनी, ये हम लोग खरीद के लेके आए थे, कितना था दीदी? 25 ना, 25 में दो मैंगो का 25 रुपीज, बाप रे। ये देखिए ना, और लाइट नहीं है भाई साहब, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, देख सकते हैं पूरा अंधेरा में कैंडल जला के यहाँ पे खाना पकाना पड़ रहा है। वाह ये देखिए अभी जाएगा चिकन, चिकन कह रहा हूँ, ये फ्रॉग मीट बिल्कुल चिकन की तरह ही है, ये देखिए। वाह अभी इसे ऐसे ही पकना होगा दोस्तों, थोड़ा स्लोली स्लोली, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद डिनर करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा दोस्तों अच्छे से पकने के लिए, और थोड़ा दे दो। बस यहाँ देखिए दोस्तों मेरा सब्जी पक्के हो चुका है तैयार, तो इतना काफी है मेरे लिए। और ये लोगों ने पूरा खा लिया दोस्तों, देखिए भूख लग रहा था। मंजिता खाया? हाँ। क्या सब्जी खाया, क्या मीट खाया? फ्रॉग, फ्रॉग का मीट। कैसा लगा, टेस्टी लगा? हाँ,
अभी देखिए दोस्तों मैं डिनर करूंगा, ये लोग तो कर चुके हैं सभी लोग, तो अभी मेरा डिनर ये देखिए पूरा चिकन की तरह है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये फ्रॉग का मीट है, बट बिल्कुल चिकन 100% चिकन की तरह है। खा के दिखता हूँ अभी। और जो टेस्ट है ना उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल चिकन की तरह ही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, चिकन लेग पीस में जो हड्डी बचता है बिल्कुल वैसे ही है, सेम। और टेस्टी तो पूछो ही मत, एकदम बढ़िया। और ये खीरा मेरा कैमरा वोमैन मेरा हुतरी बनी ने ला दिया था जेरी ने, तो वो खा रहा हूँ। एकदम बढ़िया। फ्रॉग लेग पीस गाइस, फ्रॉग लेग पीस। एकदम बढ़िया। भाई साहब क्या ही गजब का सरप्राइज है, लाइट आ गया देखो। सभी लोग पूरा खुश, देखो मंजिता भी डांस कर रहे हैं और मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट हुआ लाइट आ गई, भाई क्या ही गजब। मैंने डिनर भी कर लिया है और लाइट भी आ गई है, तो अभी फोन वगैरह चार्ज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने फ्रॉग का मीट खाया, काफी सारे लोग ये ऑफेंड भी हो सकते हैं, अभी नॉर्थ इंडिया वाले भी मुझे बहुत देखते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले तो समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले तो ज्यादातर खाते ही हैं ये सब। लेकिन जो आप दूसरे जगह से अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ऑकवर्ड सा फील होगा, बट यही हम लोग का नेचर जो है वही दिखाता हूँ मैं। विलेज लाइफ हम लोग कैसे जीते हैं वही सब दिखाता हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।